और गांव में अगर किसी को दौरा पड़ता है तो लोग केवल सांड झाड़ फूक कराने में लग जाते हैं। इस वजह से बीमारी बढ़ती जाती है। कभी कभी तो सर्जरी करने के बाद ही इस समस्या का समाधान हो पाता है। ऐसा ही एक मरीज अजीत सिंह चौधरी, जो अलवर का रहने वाला बताया जा रहा है, पिछले 6 साल से दिमाग के दौरे पड़ने से बीमार था। पिछले 6 महीने से मरीज को दिन में 15 से 20 बार दौरे पड़ते थे। इन 6 सालों में अजीत को परिजनों ने राजस्थान में और कई और राज्यों में कई डॉक्टर्स को दिखाया, कई दवाइयां भी चलीं, लेकिन मरीज को कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद मरीज को परिजनों ने किसी के सुझाव पर जयपुर के सोनी हॉस्पिटल के सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर राजवेंद्र सिंह चौधरी को दिखाया। डॉक्टर चौधरी ने MRI किया, CT स्कैन किया, जिसके बाद परिजनों को मरीज के दिमाग की सर्जरी की सलाह दी गई। परिजनों की सहमति से मरीज की 3 मई को सफल सर्जरी हुई है। इस दौरान डॉक्टर चौधरी ने बताया मरीज को फोकल कॉर्टिकल डिस्प्लेजिया नामक एक बीमारी है और उन्होंने ये भी बताया है कि बहुत ही अलग तरह की ये सर्जरी है। इस तरह की सर्जरी आमतौर पर राजस्थान में नहीं की जाती। सर की गंभीर सर्जरी के बाद मरीज पर नजर रखी जानी जरूरी थी। 2 महीने से मरीज की हर गतिविधि पर नजर रखी गई। अब रोगी को दौरे आने बिल्कुल बंद हो चुके हैं और अब वो ठीक है। के सेंटर्स पेशेंट अजीत सिंह चौधरी की अगर हम बात करें तो ये लड़का युवक जो है हमारे पास दौरे की गंभीर बीमारी से परेशान होकर के आया था। ये पिछले 6 वर्ष से इस प्रॉब्लम से घिरा हुआ था। इसको बार बार रिपीटेडली दौरे आते थे और पिछले 6 वर्षों के बाद ये अभी जाकर के तो प्रॉब्लम इसको इतनी बढ़ी कि इसको हर दिन करीब 20 से ज़्यादा बार दौरे आते थे। अपनी इस प्रॉब्लम के लिए पिछले 6 सालों में इसने करीब 18 to 20 डॉक्टर्स को, न्यूरोलॉजिस्ट को, न्यूरोसर्जन को, फिजिशियन को जगह जगह दिखाया, राजस्थान में और बाहर भी दिखाया। मरीज को कोई राहत नहीं मिली। दवाइयाँ 4-4, 5-5 उसको दौरे की दवाएं चली थी कि मरीज को फिर भी 15 से 20 बार दौरे पड़ रहे थे। जब वो हमारे संपर्क में आया तो इतनी दवाइयों के बाद भी जब मरीज के दौरे ठीक नहीं हुए थे तो हमने इसका ऑपरेशन का फैसला लिया। तो हमने MRI पर देखा कि इसके फोकल कॉर्टिकल डिस्प्लेसिया एक प्रॉब्लम होती है ब्रेन में, जिसके लिए कि इसकी वजह से दौरे पड़ रहे थे। और हमने इसका फैसला किया कि इसकी हम सर्जरी करके और पूरा इसको लोकेट करके इस फोकाई को और फिर इसकी सर्जरी करके इसको रिसेट करेंगे। तो इसकी पूरी प्लानिंग की गई है और इसके लिए जो भी जरूरी संसाधन थे वो भी जुटाए गए, सर्जरी की गई। और आश्चर्य का विषय है कि सर्जरी भी सफल रही हमारी और सर्जरी के जो परिणाम खासतौर से दौरे के सर्जरी में जो देखने को मिलते हैं वो बहुत ही सकारात्मक रहे। आज इस मरीज के ऑपरेशन करीब 2 महीने के आसपास का वक्त गुजर चुका है। इस मरीज को दौरे आने बिल्कुल बंद हो गए, पूर्ण रूप से दौरे आने इस मरीज को बंद हो गए हैं। तो ऐसी सर्जरी जिसमें सर्जरी भी सुरक्षित रही मरीज को, प्लस उसके दौरे की भी प्रॉब्लम चली गई, तो ऐसा ऑपरेशन निश्चित तौर पर एक बहुत सफलता के नए आयाम साबित करता है। और राजस्थान में इस तरह के दौरे की सर्जरी बहुत ही कम सेंटर्स पर होती है, गिने चुने इक्के दुक्के सेंटर्स पर होती है। तो हम बहुत खुश हैं इस तरह से कि हम इस तरह की सर्जरी कर पाए और इन सुखद परिणामों के लिए निश्चित तौर पर हमारी मेहनत और लगन और पूरे स्टाफ की मेहनत इस केस में काम आई और आगे भी इस तरह से मरीजों को दिमाग की बीमारियों से, स्पाइन की बीमारियों से हम निजात दिलाते रहें, यही हमारा ध्येय है। तो कुछ नहीं, दौरे आते थे। कितनी बार आते थे दौरे आपको दिन में? 20-20 बार करीब। 20-20 बार दौरे आते थे? और कितने टाइम से आ रहे थे? पहले से आ रहे, 2017 से। 2017 से आपके दौरे पड़ रहे थे। फिर आपने इसके लिए दिखाया हुआ डॉक्टर्स को? दिखाया। दवाएं भी चल रही होंगी? यस। कितनी दवाएं चलती थी जनरली? 5-5 दवाएं दौरे की? यस। और उस पर भी 20-20 बार करीब दौरे पड़ते थे आपको? यस। फिर उसके पश्चात, दिखाने के पश्चात फिर क्या हुआ फाइनली? आपके पास आए थे? अच्छा, मेरे पास आए थे जयपुर हॉस्पिटल में? यस। ठीक है, तो अभी कितने दिन पहले फिर हमने क्या प्लान किया था, आपकी सर्जरी का प्लान किया था? यस। तो सर्जरी आपकी किस तारीख को हुई है? ये डेट इसमें लिखी हुई है 3-4 तारीख के आसपास हुई है, 5वें महीने में, यानी 3 मई के आसपास आपकी सर्जरी हुई है। और अभी आज अपन 19 जून को बात कर रहे हैं, तो करीब इस 1.5 महीने में, 45-50 दिन में आपको कितनी बार दौरे पड़े? एक बार भी नहीं पड़ा। ऑपरेशन के बाद सर एक बार पड़ा था सर, मुझे ऐसा याद है कुछ, एक या दो बार 18 तारीख को पड़ा था एक बार, वो एक दो बार, लेकिन उसके बाद कोई अभी महीने भर से तो कोई दौरा ही नहीं है। ठीक है, अभी आप कुछ मेडिसिन भी ले रहे हो सर? 2-3 4 मेडिसिन चल रही है आपकी? ठीक है, अभी आप बिल्कुल ठीक है वैसे? आपका खाना पीना और सारी चीजें नॉर्मल है? ठीक, ओके, थैंक यू। आपका नाम बताइए एक बार। अजीत सिंह चौधरी। ठीक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।